एक मशवरा दूं आपको, वलीद भाई के साथ ना फ्रंट पे बैठिएगा आप। तुम बहुत बोलने लगी हो, ऐसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे जाना। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, भला ये क्या तरीका हुआ कि उनकी अम्मी भी साथ होंगी और हमारी अम्मी भी साथ होंगी, ऐसा थोड़ी होता है। तौबा, कितनी जबान चलती है तुम्हारी। मैंने ये नहीं कहा है कि अम्मी और आंटी की वजह से अच्छा नहीं लग रहा, बस ऐसी शादी से पहले यूं जाना अच्छा नहीं लग रहा ना। अरे फरी बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वलीद और उसकी अम्मी तो घर से निकल चुके हैं। अम्मी आप चली जाए ना, आपको तो पता है मेरी पसंद का। आपा बस कर दो ना शर्माना, वो खा तो नहीं जाएंगे आपको। हाँ अगर कहती हो तो मैं भी साथ चलती हूँ कंपनी के लिए, हो सकता है कि अम्मी और वलीद भाई की अम्मी दोनों कंपनी के लिए काफी ना हो। ज्यादा होशियार मत बनो, पेपर की तैयारी के लिए छुट्टी ली है ना, पेपर की तैयारी करो। तो आप भी इम्तिहान की तैयारी समझ के ही चली जाए ना, आखिर एक दिन तो आपने वलीद भाई के साथ ही जाना है ना। उस दिन ना अम्मी जा सकेंगी मॉरल सपोर्ट के लिए और ना मैं अपनी खिदमत पेश करूंगी। फरी चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, इसकी जबान तो ऐसे ही चलती रहती है, उठ जाओ। शाबाश। कसम से तरस आ रहा है वलीद भाई पर, वो आज आपको लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए और आप हैं जो आपके नखरे नहीं खत्म हो रहे। मैं नखरे नहीं कर रही हूँ। ये तो दुआ कर रही है ना कि वो ना आए। मैं ऐसी कोई दुआ नहीं कर रही हूँ, सुना तुमने? अच्छा तो फिर ये दुआ कर रही है कि वो जल्दी से आ जाए। बाज में आओगे ना तुम, जाओ यहाँ से। When you think of planning in a management role, think about it as the process of... Excuse me, Faria Jamal. What's going on? Sorry, sir. देखिए अगर आप दोनों इंटरेस्टेड नहीं है लेक्चर में, प्लीज क्लासरूम से बाहर चले जाइए। एक काम कीजिए, स्टैंड अप, आप यहाँ आइए, आके यहाँ पे बैठिए। सर पर ये तो माया की सीट है। हाँ तो सर माया अपनी चीजों के बारे में बहुत पजेसिव है, मैं उसकी सीट पे बैठ के कोई झगड़ा नहीं मोल लेना चाहती। माया सिर्फ अपनी चीजों के बारे में ही नहीं लोगों के बारे में भी पजेसिव है। साइलेंस प्लीज। सर डाउन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए लेक्चर के ऊपर। थिंक अबाउट इट। बेटा यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? आप ही तो हमेशा कंप्लेन करती हैं कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, तो आज घर पे आपकी वजह से क्लासेस मिस करके, दैट्स नॉट फेयर। आपको तो खुश होना चाहिए। माँ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है आप बैग लेके आए। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ तुम वाकई में खुश हो या प्रटेंड कर रही हो। हाँ गो ग्रैब योर बैग। एक्सक्यूज मी सर। जी सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हमें कुछ पूछना था। जी पूछिए। सर आपकी माया से दोबारा बात हुई? मेरी माया से क्यों बात हो? सर एक्चुअली वो कल आपकी डांट पर ही क्लासेस अटेंड किए बगैर वापस चली गई थी,
उसके बाद हमने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा कोई कांटेक्ट हुआ नहीं माया से। देखिए, मैंने डांटा नहीं था, समझाने की कोशिश की थी उसे। ओके सर, हमें लगा कि आपको मालूम हो उसके ना आने की वजह। थैंक यू। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की? क्या हो गया? इतना ड्रामा क्या कर रही हो? गलती से हाथ ही लो। क्या हो गया भाई, क्यों तंग कर रहे हो उसे? यार आप अपने काम से काम रखें, हमारा जाति मामला हैंडल कर लें। बेटा तुम इसे जानती हो? नहीं आंटी, मैं नहीं जानती इसे, और ये काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहा था, और जब मैंने इनसे कहा तो ये और चीप हरकतों पे उतर आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है? आंटी जी, आप लोग अपना काम कीजिए ना, हमारा जाति मामला है, हम खुद हैंडल कर लेंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? जो तुम्हारे साथ है तुम उसका ख्याल रखो। बात कर लो, तुम मेरा बांध छोड़ो। वलीद छोड़ो इसे। नहीं ऐसे नहीं मानेगा। वलीद, वलीद खुदा के वास्ते मेरी खातिर छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। शुक्रिया आंटी, आखिर में अपने ही काम आते हैं। चलो बेटा। माया अपनी चीजों के बारे में बहुत पजेसिव है, मैं उसकी सीट पर बैठ के कोई झगड़ा नहीं मोल लेना चाहती। माया सिर्फ अपनी चीजों के बारे में ही नहीं, लोगों के बारे में भी पजेसिव है। मैं आइंदा आपको कभी नजर नहीं आऊंगी, आप आराम से बिना किसी टेंशन के अपनी जॉब एंजॉय करें। आई प्रॉमिस यू, यू विल नेवर सी मी अगेन। लेकिन आप एक बात अब याद रखिएगा, जिस तरह से मैं तड़पी हूं आप भी तड़पेंगे, और आपके पास आपकी बेबसी का कोई हल नहीं होगा, जैसे कि मेरे पास नहीं है। शुक्रिया आंटी, आखिर में अपने ही काम आते हैं। पापा, क्या बात है? जब से शॉपिंग से वापस आई हैं, जाने किन सोचों में गुम हैं आप? कुछ नहीं। पापा क्या हुआ है? वलीद भाई ने कुछ कहा है? प्लीज मुझसे तो मत छुपाएं। अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डाला करो। वलीद ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई है। क्या मतलब, साथ थे और बात ही नहीं हुई? हाँ, और वैसे भी आंटी की मौजूदगी में क्या ही बात हो जाती है। तो फिर क्या परेशानी है? कहीं इस बात का दुख तो नहीं है कि उनसे बात ही नहीं हो सकी? ज्यादा चलाक मत बनो, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी आप बताएं, जब से आप शॉपिंग से वापस आई है ना, परेशान है। मुझे तो नहीं बता रही, आपको कोई अंदाजा है? अम्मी वो लड़का कौन था? अरे भाई, एक लड़की को कोई आवारा तंग कर रहा था तो वलीद उससे उलझ पड़ा। तो फिर वो आपसे शुक्रिया अदा करके ये क्यों कह रहा था कि अपने ही काम आते हैं? पता नहीं, ऐसे आवारा लड़कों से कुछ भी बैत की जा सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे आपा, वो देखने वाला सीन होगा जब वलीद भाई ने एक मुश्किल में फंसी लड़की की मदद कर दी। काफी ड्रामा सिचुएशन होगी, है ना? अच्छा तुम बातें बनानी बंद करो, कपड़े प्रेस हो गया ना, तो ले जाओ इन्हें, जाओ। बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बात थी वो खत्म हो गई। नहीं लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसे जानती हैं? फिर वही बात। सॉरी अम्मी, मैंने जो महसूस किया वो कह दिया। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम ये परेशान होना छोड़, ठीक है?
यार माया, तुम्हें हमारे साथ ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों के साथ इस तरह नहीं करते। क्या किया मैंने? तुमने हम सब से रबते क्यों ख़त्म कर लिए हैं? ना तुम्हारा फ़ोन ऑन होता है, ना तुम किसी के मैसेज का रिप्लाई करती हो। मेरी किसी भी बात या मेरे किसी भी मैसेज की कोई वर्थ है तुम्हारे नज़दीक? ऐसा तो मत कहो माया। मुझे समझ नहीं आता ये दोस्ती कैसी है जिसमें मुझे दिन रात बैठ के तुम लोग को एक्सप्लेनेशन देनी पड़े कि मैंने क्या बात कही थी और क्या नहीं। आई एम सॉरी यार, तुमने उस दिन हमारी बात सुनी ही नहीं और चली आई। यार जितनी सुन ली थी ना मेरे लिए काफी था। यार माया, हम तुम्हें रोकते रहे और तुम चली गई। देखो हमारा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। मैं हर किसी की बात से हर्ट होती भी नहीं। लेकिन जिनकी बात से होती हो तो तुम उनका गुस्सा किसी पर भी उतार दोगी। अच्छा यार अपना मूड ठीक करो। देखो हम तुम्हें नाराज करने का सोच भी नहीं सकते। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि सर मोमेंट को मेरी एब्सेंस फील हुई भी है कि नहीं। अच्छा तो यूनिवर्सिटी ना आने का मकसद सर मोमेंट को अपनी एब्सेंस फील करवाना था। लेकिन यार हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं माया। मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। व्हाट? तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओगी? इम्पॉसिबल। आई एम सीरियस, मैं नहीं आऊंगी। आर यू मैड? यू हैव द बेस्ट GPA। तुम सर मोमिन की वजह से अपनी स्टडीज स्पॉइल करोगी। उन्होंने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी और तुम्हें मेरी स्टडीज की पड़ी भी है। नहीं माया, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगी जिस तरह से उन्होंने भी इंसल्ट की थी ना। आई कैन नॉट फॉरगेट इट। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। यार तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी बात गलत फहमी में कह दूंगी? उन्होंने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मेरे हैं और अब कह रहे हैं कि मेरी गलत फहमी और अपनी बात से मुकर गए। जस्ट इमेजिन हाउ स्टूपिड दैट मेक्स मी लुक। रिलैक्स माया, अगर उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम भी उनकी परवाह मत करो। जो उनकी परवाह है स्किलिंग में, कि उनको मेरी परवाह नहीं है। यार हम तो तुम्हारा मूड ठीक करने आए थे, तुमने तो हमें भी परेशान कर दिया। माया जरूरत नहीं मेरे परेशान होने की। जरूरत है, वी आर फ्रेंड्स। आई थिंक वी शुड गो आउट, इसका मूड भी ठीक हो जाएगा। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, आज के लिए बहुत आउटिंग हो गई है। वेरी टायर्ड। खाला से बात करनी है। तो ऐसी क्या मजबूरी बताएंगी कि मेरी मंगनी करना इतनी जरूरी हो गई? वो मेरी बहन है, मेरी मजबूरियों को अच्छी तरह समझती है। कह दीजिएगा ना आप लोग इंतजार नहीं कर सके। आप लोग को डर था कि कहीं फखर की दौलत में कमी ना आ जाए, इसीलिए जल्दी से अपनी बेटी उसके नाम लगा दी। मुझे फखर की दौलत का कोई लालच नहीं। बाबा से अपना रिश्ता बचाने की लालच तो थी ना। आशी, अब तो मुझे इस बात का ताना दोगी? आपने अपना रिश्ता बाबा के साथ तो बचा लिया है अम्मी, बेटी के साथ अपना रिश्ता बहुत कमजोर कर दिया। कुछ कहना चाह रही? जी मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। हिचकिचा क्यों रही? देखिए शहजाद, आशी का रिश्ता जिस लड़के से हुआ है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ होने अपने बेटे से मुआवजा कर रही है। नहीं शहजाद, वो लड़का इंतहाई आवारा और बदतमीज किस्म का है।
जमील अपने भाई की बातों में आकर गलत फैसला कर बैठा है। जमील के फैसले गलत होने में कोई शक नहीं है, लेकिन तुम उस लड़के के बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? देखिए, आज जब हम शॉपिंग के लिए गए थे ना, वो लड़का भी वहीं था, किसी लड़की को तंग कर रहा था। वलीद ने रोका तो अजीब ढिठाई का मुजाहरा करने लगा। अल्लाह उसे हिदायत दे। देखिए शहजाद, आशिक बहुत मासूम है और वो लड़का किसी भी तरह आशिक के काबिल नहीं है। आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं आशिक के मामले में इतनी जज्बाती क्यों हो रही हूँ? आप ये क्यों भूल रहे हैं कि मैंने हमेशा आशिक को अपनी ऐनी और फरी की तरह समझा है? देखो, मुझे कतन इस पे कोई शक नहीं है कि तुम आशिक के बारे में क्या सोचती हो। वो हमारी बेटियों जैसी है, लेकिन जमील ने भी तो कम से कम उस लड़के के बारे में कोई ना कोई छानबीन तो की होगी ना। आशी उनकी इकलौती औलाद है, उन्होंने हमारे मोमिन को उसके काबिल नहीं समझा, ना सही, लेकिन कम से कम आशी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में दें जो उसके काबिल तो हो। अल्लाह आशी के लिए आसानियां पैदा करे। शहजाद, अगर आप इजाजत दें तो मैं इजाजत मैंने तो अभी अपनी बात भी मुकम्मल नहीं की। आपको क्या पता मैं किस बात की इजाजत मांग रही हूँ? देखो जरा, इतने साल इकट्ठे गुजारने के बाद भी मैं अगर तुम्हारी अधूरी बात को ना समझ सकूं तो फिर इतने साल गुजारने का क्या फायदा है? तुम आंसर से बात करना चाहती हो, कर लो। मुझे यकीन है कि आंसर को भी उस लड़के के बारे में कोई मालूमात नहीं होगी, मगर एक बात का ख्याल रखना, इस बात का मोमिन को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या प्लान्स हैं आज के? कुछ खास नहीं, मिसेस खावर आना चाह रही थी तो मैंने उनसे कह दिया कि शाम को आ जाए, तुम भी घर पे होगी। उनका जब दिल चाहे वो आ सकती हैं, मेरे होने ना होने से उनको क्या फर्क पड़ रहा है? मिलना चाह रही हैं, कह रही थी इतना अरसा हो गया माया माई तरफ नहीं आई और जब भी वो आती हैं तुम घर पे नहीं होती। इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है उनको मुझसे? खैरियत है? उनका बेटा है ना। बस मॉम, उसकी सारी खूबियां मुझे ऑलरेडी पता है, फिर से मत बताइएगा। यू नो सीरियसली माया, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मैं गौहर का नाम लेती हूँ तो तुम इरिटेट हो जाती हो, मैं मिसेस खावर के बेटे का नाम मेंशन करती हूँ और तुम्हारे चेहरे के जाविये बदल जाते हैं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जिससे शादी करनी होगी ना, मैं खुद आपको बताऊंगी। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे किसी अहमकाना फैसले में साथ नहीं दूंगी। लेकिन मैं अपने लिए कभी भी कोई अहमकाना फैसला नहीं करूंगी। अच्छा और बुरा मैं खुद भी सोच सकती हूँ। अगर तुम अच्छा सोच सकती होती ना तो मुझे टेंशन ना होती,
अपनी स्टडीज छोड़ के तुम महज घर पर सिर्फ इसीलिए बैठी हो ताकि अपनी जिंदगी की अहमियत उससे बता सको? मेरे घर बैठने से मसला है आपको, तो एक काम करती कहीं और चली जाती। आर यू इन योर सेंसेस? मैं बात कुछ और कर रही हूँ और तुम बोल कुछ और रही हो। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट प्ले विद योर स्टडीज, डू यू अंडरस्टैंड? यार एक हफ्ता हो गया है माया नहीं आई। इस तरह तो उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फिर वो एग्जाम्स भी नहीं दे पाएगी। उसे अगर एग्जाम्स देने हो तो वो अटेंडेंस शॉर्ट होने की फिक्र करे ना सामिया, वो तो बता चुकी है कि वो एग्जाम्स नहीं देगी। गलत कर रही है यार, वो जानती है कि वो गलत कर रही है, एंड आई थिंक हमें भी उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यार दोस्त है वो हमारी, और वो जो भी कर रही है वो जज्बात में आके कर रही है। ऐसे सामिया तुमने नोट किया, सर मोमिन ने कभी क्लास में उसके बारे में नहीं पूछा, और वो स्टूपिड ये समझ रही है कि सर मोमिन को उसकी बड़ी फिक्र हो रही होगी। फिक्र होनी चाहिए सर मोमिन को माया की। सर मोमिन के दिल में माया के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना माया को कॉल पे, वरना वो कभी इस तरह रिएक्ट ना करती। हो सकता है कि किसी दिन सर मोमिन ने उसे जान छुड़ाने के लिए प्यार के दो बोल बोल दिए हों और वो उसे मोहब्बत का नाम दे बैठी हो। यार प्यार के दो बोल बोलने और प्यार का इजहार करने में फर्क होता है आयजा, और मैंने खुद सुना था सर मोमिन ने कहा था कि उन्हें गलत फहमी हुई थी। जो भी है सामिया, बट वो सर मोमिन को फोर्स तो नहीं कर सकती ना। वो नहीं कर सकती, हम तो कर सकते हैं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें सर मोमिन के पास जाना चाहिए, अगर वो माया को समझाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला चेंज कर सकती है। Do you think कि वो हमारी इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस देंगे? At least we can try. अगर नए रिश्ते ना बन पाए तो पुराने रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते आंसर? कई बार सोचा कि आपके पास जाके आपसे माफी मांगूं, लेकिन आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, इसीलिए फोन भी नहीं किया कि क्या अपनी मजबूरियों का रोना रोके आपको परेशान। दुख तो मुझे भी बहुत है आंसा, लेकिन तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई। जी आप आइए। That's all for today. कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो आपसे कुछ बात करनी थी, थोड़ा वक्त मिल सकता है आपका? जी कहिए। सर एक्चुअली सामिया आपसे माया के बारे में एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। कैसी रिक्वेस्ट? सर हमें पता है कि आपको माया के बारे में बात करना नहीं पसंद, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। क्यों डिस्टर्ब्ड है वो? सर हम नहीं जानते कि उसने आपके बारे में वो सब क्यों कहा कि आपने उसे कॉल पर, उसने सबको यही कहा था और फिर अगले दिन आपने भी कहा था कि आपको गलत फहमी हुई थी। देखिए आप लोगों ने जो भी कहना है जल्दी कहिए। सर माया बहुत डिस्टर्ब है, वो इतनी डिस्टर्ब है कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप तो जानते हैं कि वो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो समझाइए आप लोग उसे। हमने बहुत समझाया सर, वो नहीं मान रही। तो मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। सर
आप समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी. आप एक बार उसे कहते हैं वो मान जाएगी. देखिए, ये यूनिवर्सिटी उसने मेरे कहने पे ज्वाइन नहीं की थी. बट सर, छोड़ तो आपकी वजह से ही रही है ना. हाँ, तो हिमाकत है ना उसकी. सर, माया बहुत सेंसिटिव है और वो ऑलरेडी एक सहने से गुजर रही है. ऐसे में उसे आपकी सिंपथी की ज़रूरत है. आपकी एरोगेंस और इग्नोरेंस ने उसे और हर्ट किया है. देखिए, इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग मुझ पर. मैंने बारहा उसे समझाने की कोशिश की कि वो स्टडीज़ करने इस यूनिवर्सिटी में आती है तो उस पर फोकस करें. जी, वो ज़रूर समझ जाएगी. आप एक बार उसे प्यार से कह देंगे तो. और अगर आपने उससे बात नहीं की तो उसके फ्यूचर की बर्बादी के जिम्मेदार भी आप होंगे. सुनो, अभी आपने कहा वो किसी सहने को फेस कर रही है, क्या हुआ उन्हें? सर, आप उसे बताइएगा नहीं कि हमने आपसे शेयर किया है, लेकिन उसके डैड ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया है. कौन है? अगर बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? बात तो तुमने भी नहीं की रात को, बल्कि तुमने तो फोन ही ऑफ कर दिया था. फखर बात कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता था कि ये आपका नंबर. अब सेव कर लो. अच्छा सुनो, रात को दोबारा फोन करूंगा. इंतजार कर, सो मत जाना. रात? रात में क्यों? अब अभी बात कर ले. अभी तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन अब तो तुम मेरी मंगेतर हो. तुमसे तो जितनी भी बात कर लूं दे थोड़ी भरेगा. आपको मेरा नंबर कहां से मिला? मामा से और किससे? तुमने तो मेरा नंबर किसी से मांगा ही नहीं होगा, है ना? जी. मुझे ऐसी शर्मीली लड़कियां बहुत पसंद है आजू. लेकिन सच सच बताओ, तुम्हारा दिल नहीं किया मुझसे बात करने को? आप अजनबी हैं मेरे लिए, और मैंने आपसे क्या बात करनी है? अजनबी हूँ नहीं, था. अच्छा एक बात तो बताओ, आज तुम्हारी खाला ने तो मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, वो जो मंगनी पर आ गई थी बिन बुलाए. वो क्यों कुछ कहेंगी? बस ऐसे ही पूछ रहा था. अच्छा सुनो ना, किसी दिन मूवी देखने चलते हैं? जी. थोड़ा वक्त भी गुजार लेंगे और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा. अम्मी बुला रही है, खुदा हाफिज़. हेलो आशी. आंसा, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि जहाँ आशी का रिश्ता किया है उन लोगों के बारे में कोई तसल्ली भी की है, या फिर जमील ने मोमिन की नफ़रत में ये रिश्ता जोड़ दिया है? आप, मैंने क्या तसल्ली करनी है? जमील ने की है तसल्ली. क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अरे आशी आओ बेटा, खाला को सलाम करो. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. आओ बैठो बेटा. बेटी मत कहे मुझे, अगर बेटी होती तो ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता. आशी. नहीं आंसा, इसे मत डालो. इसका शिकवा बजाए, कहीं ना कहीं कोताहियां तो हमसे भी हुई हैं जो हम आज तक जमील के दिल से नफरत खत्म नहीं कर सके. एक बात पूछो खाला. हाँ जरूर पूछो. क्या आपका बेटा अभी भी किसी मौजे के इंतजार में है या हार मान चुका? आशी फजूल बातें मत करो. उसे कहिएगा कि मैं ये तो नहीं जानती कि कोई मौजा मुझे उसका कर सकता है या नहीं, लेकिन कोई मौजा जरूर हो जाएगा कि मैं उसके सिवा किसी और की भी ना हो सकूं, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चले. आपा क्या करूं आपा, इसका मोमिन के सिवा तो ये किसी को कबूल नहीं करेगी.
मोमिन का भी यही हाल है। आशी तो फिर शिकवा अपनी जबान पर ले आई है, लेकिन लेकिन मोमिन तो सारे दुख अपने अंदर छुपाए बैठा है। आंसा, जो बात मैं तुमसे कहने आई हूँ वो परेशान कुन है, लेकिन मैं तुम्हें बताए बगैर रह भी नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग फख्र। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ खामोशी छा गई? रास्ता गलत वक्त आ गया, दोनों मिलके मेरी बुराइयां नहीं कर सकी होंगी शायद। जमील, अब तो अपने दिल से ही बदगुमानियां खत्म कर दो। बदगुमानी की क्या बात है आपस में? आपको नहीं लगता कि आपको मेरी बीवी और बेटी को मेरे खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए? तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो आंसा से सिर्फ ये कहने आई थी कि ना आया करें। कौन दावत नामे दे रहा है आपको? आप लोगों के आने से वैसे ही घर के माहौल खराब हो जाते हैं हमारे। चाय बना के लाओ, थका रहा है। सर, आप समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी। आप एक बार उसे कहते हैं वो मान जाएगी। और वो ऑलरेडी एक सानहे से गुजर रही है, ऐसे में उसे आपकी सिंपथी की जरूरत है। आपकी इग्नोरेंस और एरोगेंस ने उसे और हर्ट किया है। और ये सोचना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर बैठे हो कि दुआ कबूल नहीं। ये नंबर है शायद। उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। मुझे तो आशी की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा बैठे। अम्मी, लेकिन ये बात खालू को तो सोचनी चाहिए ना। आज उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे जैसे उसे मोमिन ना मिला तो वो अपनी जान ही दे देगी। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम मोमिन बेटा। मोमिन बेटा, रात कितनी ही तारीख क्यों ना हो, बिलाखिर सुबह होती है। और जब सुबह होती है ना तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। लेकिन रात की तारीखी अगर लंबी हो जाना तो थकाने लगती है।
बेयकीनी घेर लेती है। थकना ही तो नहीं है बेटा, हरगिज नहीं थकना। और बेयकीनी क्यों? अगर अल्लाह पर कामिल भरोसा और यकीन हो तो वो रास्ते में आई हर दुश्वारी और कठिन मंजिल को बर्दाश्त करने का हौसला दे देता। तुम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करो, अपने लिए कबूल करेगा। बद्दुआ लग गई हमारी मोहब्बत को। बद्दुआ लग गई? तुम्हें किसकी बद्दुआ लग गई बेटा? मोमिन बेटा, तुम तो सबका भला चाहते रहते हो, सब तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं, तुम्हें कैसे बद्दुआ लग सकती है? और सब अनजाने में दिल दुखा बैठा हूं मैं किसी का। आप अच्छी तरह से जानते हैं दानिश्ता तौर पे मैं किसी को कोई तकलीफ कोई दुख नहीं दे सकता। दानिश्ता तो कोई किसी का दिल नहीं दुखाता, अनजाने में ही दिल दुखा दिया जाता है। मोमिन बेटा, ये दिलों के मामले बड़े हसास होते हैं। जब अल्लाह की मोहब्बत में किसी दूसरे इंसान का दिल दुखाने की इजाजत नहीं तो किसी इंसान की मोहब्बत में किसी दूसरे का दिल दुखाने की इजाजत कैसे हो सकती है? दुखी दिल की बद्दुआ में बहुत ताकत होती है कि? मोमिन बेटा, जिस तरह एक गफलत में डूबे हुए दिल की दुआ कबूल नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह एक दुखी दिल की बद्दुआ में बड़ी ताकत होती है, फौरन कबूल होती है। लेकिन लेकिन मोमिन बेटा, सच्चे दिल से की हुई तौबा बद्दुआ के शिकंजे में आए हुए इंसान को बचा लेती। अल्लाह रहम करता है। तुमने जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांगो। और तुम्हें मैं एक राज की बात बताऊं? जी। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो उसकी मखलूक को माफ करना और उससे माफी मांगने का हुनर सीखना चाहिए। ये हुनर सीखो। अगर ये हुनर नहीं आता तो जिंदगी यूं ही बेचैनियों में बसर होती रहेगी, बेकरारियों में बसर होती रहेगी। समझे ना?